हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टार मूवी। तो दोस्तों आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। ये कहानी लूकस नाम के एक 14 साल के लड़के की है जो कि एक गैंग के लिए काम करता है और गैंग के लोग उससे ड्रग सप्लाई करवा रहे होते हैं क्योंकि वो अभी छोटा है इसलिए उस पे कोई शक नहीं करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई भी इसी राह पे चलना चाहता है तब उसकी मुसीबतें भी बढ़ने लगती है और दोनों भाइयों को बचाने के लिए एक आर्मी ऑफिसर आता है जिसका नाम डेनियल है जो कि एक वॉर वेटरन होता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम लूकस को देखते हैं जो अपने कल से शहर के चक्कर लगा रहा है। वो हर जगह ड्रग सेल कर रहा होता है और वो यहीं पे अपनी कहानी बताता है कि जिस शहर में वो रहता है उस शहर में सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल भरे पड़े हैं। वो कब और किसे मार दे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सड़कों पे यहाँ पे क्राइम होना आम बात है जैसे कि यहाँ पे किसी का कत्ल होता है या बलात्कार। कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। अगर आप कमजोर है तो अगला शिकार आप खुद बन जाएंगे। अगर आप यहाँ पे जिंदा रहना चाहते हो तो आपको अपने आप को बहुत मजबूत बनाना होगा या तो फिर किसी न किसी गैंग के साथ में होना पड़ेगा। इस शहर में बहुत सारी गैंग ऑपरेट करती है और यहाँ पे सबसे बड़ी गैंग रिंकन नाम के आदमी की है और लूकस रिंकन के लिए काम करता है। और लूकस ड्रग्स बेचने के बाद सारे पैसे गैस्टर को देता है जो कि रिंकन का कजन ब्रदर है क्योंकि रिंकन से मिलना हर किसी को अलाउ नहीं था। लेकिन तब भी लूकस रिंकन से कभी भी मिल सकता था। लूकस अपने ड्रग्स की सप्लाई करते हुए अपने एक रेगुलर कस्टमर डेनियल के पास पहुंचता है और डेनियल ड्रग्स इसलिए ले रहा होता है क्योंकि वो डिप्रेशन में था। असल में डेनियल एक रिटायर्ड यूएस सोल्जर था जिसके साथ अफगानिस्तान के वॉर में जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो मेंटली टॉर्चर तो हुआ लेकिन साथ में उसने अपने बोलने की क्षमता भी खो दी है। और उस वॉर में ऐसा क्या हुआ होता है ये हमें आगे पता चलेगा। इसलिए डेनियल मैसेज को वॉइस में बदल के बात करता था और जब भी लूकस उसे ड्रग सप्लाई करने आता तो डेनियल उसे समझाता तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन लूकस डेनियल की बात को हर वक्त इग्नोर करता था क्योंकि उसके घर में वही एक अकेला काम करने वाला होता है। और वहीं लूकस कार्लोस नाम के एक आदमी के पास जाता है जिसने कुछ समय पहले लूकस से ड्रग्स लिए होते हैं और कार्लोस लूकस से कहता है मुझे एक और हफ्ता दे दो मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। और लूकस उसे एक हफ्ते का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। और वहीं सीन रिंकन पे आता है। रिंकन देखता है एक कार काफी दिनों से उसके घर के बाहर खड़ी होती है और उसे समझ आ जाता है यही कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उस पर नजर रखी है। और वो वहाँ से अपनी बहन के पास आ जाता है जिसकी आज शादी होने वाली होती है। और उसी वक्त वहाँ पे एक पादरी आता है जो कि रिंकन की बहन के शादी के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। पादरी उसे कहता है शादी तो पूरी रीति रिवाज के साथ में चर्च में होनी चाहिए। रिंकन जवाब में उसे कहता है नहीं शादी तो यहीं मेरे घर के अंदर ही होगी क्योंकि मेरी जान के पीछे काफी सारे लोग पड़े हैं। और पादरी रिंकन से डर के उसकी बात मान जाता है। दूसरी ओर लूकस ड्रग्स के बचे हुए पैकेट को ड्रग्स कैंप में देने के लिए आया हुआ है और उसी वक्त उसे वहाँ उसका छोटा भाई स्टीव मिलता है और वो लूकस से कहता है अब मैं गैंगस्टर लॉर्ड रिंकन के लिए ड्रग सप्लाई का काम करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। ये सुनकर लूकस स्टीव को गुस्से में स्कूल छोड़ आता है क्योंकि वो अपने भाई को इन सारी चीजों से दूर रखना चाहता था। और वहीं डेनियल फास्ट फूड कॉर्नर से खाना ले रहा होता है और उसके ना बोलने के कारण काफी लोगों को अपना ऑर्डर लेने में लेट हो रहा होता है। और उसी वक्त कुछ गैंग के लोग डेनियल को परेशान करने लगते हैं और वो अपने गुस्से पे कंट्रोल पाने के लिए माइकल से खरीदे ड्रग्स लेने लगता है। और उसी वक्त वहाँ दूसरी गैंग के दो मेंबर आकर डेनियल को लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं और डेनियल जब एक्शन लेता है तो वो डर के वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ रिंकन अपनी बहन की शादी की तैयारी करवा रहा होता है। ठीक वहीं लड़के वाले आ जाते हैं जो कि रिंकन से बहुत डरते हैं। दूसरी ओर शादी की तैयारी चल रही होती है जहाँ लूकस रिंकन को ड्रग्स के पैसे देने आया होता है और हमें ये पता चलता है कि रिंकन लूकस को बहुत चाहता है क्योंकि लूकस का स्ट्रॉन्ग माइंड है और उसका साइलेंट बिहेवियर उसे बाकी डिलीवरी बॉयज से अलग बनाता है। रिंकन ने लूकस के लिए शादी का ड्रेस भी बनवाया होता है क्योंकि वो लूकस को अपने फैमिली मेंबर से कोई कम नहीं मानता था। और हमें उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि लूकस का बड़ा भाई एक आर्मी सोल्जर था जो कि लूकस को गैंगस्टर और ड्रग डीलर से बचाते हुए मारा गया था। उसी वक्त रिंकन लूकस को एक अहम काम देता है जैसे कि दो ड्रग्स के पैकेट और उसे वो पैकेट एक गैस स्टेशन पे पहुंचाना था जिसके बाद वो इजीली शादी अटेंड कर सकता था। और उसी वक्त गैंगस्टर एक डीलर को रिंकन के पास ले आता है जिसने अब तक रिंकन के पैसे नहीं लौटाए थे। रिंकन उसे ऑर्डर देता है तुम्हें इसका जो करना है तुम करो। और जैसे लूकस वहां से निकल रहा होता है गैंगस्टर उसे गुस्से में देखने लगता है। गैंगस्टर इस बात से नाराज हो रहा होता है क्योंकि रिंकन ने गैंगस्टर की जगह लूकस को इतना बड़ा काम दिया होता है। रिंकन उसे जवाब में कहता है क्या तुम्हें नहीं पता है इंटेलिजेंस के लोग हमारे पीछे पड़े और मैंने इसलिए लूकस को काम दिया है। इंटेलिजेंस के लोग एक बच्चे पे शक नहीं करेंगे। लूकस पैकेट को डिलीवर करने जा रहा होता है तो वो रास्ते में क्या देखता है कुछ गैंग के लोग उसके भाई को मार रहे होते हैं। दरअसल उनके लिए ये एक खेल होता है जो भी गैंग में एक नया मेंबर आएगा उसे वो अपने इच्छा अनुसार मारेगा। लूकस उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मान रहे होते। लूकस फिर से कहता है रिंकन ने स्टीव को मारने से साफ मना किया है। रिंकन का नाम उनके कानों तक आते ही सारे लोग रुक जाते
जाते हैं। लूकस पैकेट को डिलीवरी करने के बजाय अपने भाई को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है और उसके घर में एक ड्रग्स का पैकेट गिर जाता है और उसी वक्त गैंगस्टर अपने साथियों के साथ वहाँ आता है और कहता है रिंगन तुमसे मिलना चाहता है क्योंकि तुमने अब तक उसके ड्रग्स के पैकेट को डिलीवर नहीं किए। गैंगस्टर उन्हें रिंगन के पास ले जा रहा होता है और उसी वक्त अचानक वो लूकस पे हमला कर देता है और वो कहता है मैं तुम्हारे आंखों के सामने स्टीव को गोली मार दूंगा। और सिचुएशन इस कदर हो जाती है कि लूकस को स्टीव को लेकर भागना पड़ता है। गैंगस्टर उसके साथी उनका पीछा कर रहे होते हैं और दौड़ते हुए वो डैनियल के कार के पास पहुंच जाते हैं और उससे हेल्प लेते हैं। गैंगस्टर और उसके साथी उनकी कार का पीछा कर रहे होते हैं। डैनियल उन्हें बचाने में कामयाब हो जाता है और उनकी कार पूरी तरीके से क्रैश हो चुकी थी और लूकस ड्रग्स का दूसरा पैकेट भी उस कार में गिरा देता है। वहाँ कार पूरी तरीके से जल चुकी थी। तभी लूकस सोचने लगता है एक पैकेट तो कार में गिर गई तो हो ना हो दूसरा पैकेट उसके रूम में गिरा है। दूसरी ओर रिंकन अपनी बहन के शादी में बिजी होता है। गैंगस्टर उससे मिलकर लूकस के बारे में सारी बातें बताता है। रिंकन बहुत गुस्से में आ जाता है और गैंगस्टर को ऑर्डर देता है तुम मुझे उन दोनों भाइयों को मेरे सामने जिंदा हाजिर करो। वहीं दूसरी ओर हम ये देखते हैं डैनियल उन्हें एडवाइस कर रहा होता है कि तुम दोनों भाई इस शहर को छोड़कर चले जाओ लेकिन लूकस को ये एडवाइस पसंद नहीं आती क्योंकि वो अभी भी रिंकन के उस एक पैकेट को डिलीवर करना चाहता था और वो ये कहता है तुम मेरे काम के बीच में मत बोलो। और वो स्टीव को लेके दूसरा पैकेट ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर एक स्पाइडर नाम का आदमी रिंकन से मिलने आया होता है जो कि आज का ऑर्डर कंप्लीट ना होने के कारण रिंकन से बहुत गुस्सा था। स्पाइडर रिंकन से कहता है अगर वो पैकेट डिलीवर नहीं हुए तो तुम्हें उसके बदले बहुत सारे पैसे देने होंगे। वहीं लूकस दूसरे रास्ते से अपने घर पहुंचता है और उसे ढूंढने पर वो पैकेट मिल जाता है। तभी वहां पे एक बॉय आता है जो कि उसी गैंग के लिए काम करता है और वो कहता है बाहर गैंगस्टर के आदमी खड़े हैं चलो मैं तुम्हें एक सेफ जगह से ले चलता हूं। और वो बॉय लूकस के साथ में धोखा करता है क्योंकि उसे गैंगस्टर ने ही भेजा होता है। गैंगस्टर और गैंग के मेंबर मिलकर उन्हें रिंकन के घर ले आते हैं। दूसरी ओर हम ये देखते हैं डैनियल उसके घर गया है और वहां जाने के बाद उसे ये पता चलता है कि गैंगस्टर के आदमियों ने उसके ससुर जी को बहुत पीटा है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो तय करता है कि अब वो गैंगस्टर से बदला लेगा और साथ ये भी प्लान करता है कि वो अब लूकस को और स्टीव को उनसे बचाएगा। डैनियल वहां से निकलकर रिंकन के घर की ओर जाता है और वहां रिंकन के गैंग के दो मेंबर डैनियल को बहुत पीटते हैं। डैनियल जब नीचे गिरा होता है तो उसे वहां उसके अफगानिस्तान का वॉर याद आता है और उसे याद करते हुए वो उन मेंबर में से एक मेंबर को जान से मार देता है और दूसरे मेंबर को अपने कब्जे में लेकर उसे अपना बंदी बना लेता है और उसे अपना हॉस्टेज बनाते हुए बाकी के गैंग के मेंबर्स को ऐसा जाहिर करता है जैसे कि वो इंटेलिजेंस का कोई आदमी है ताकि उन मेंबर्स में से कोई एक मेंबर फायरिंग करना शुरू कर दे और होता भी कुछ ऐसा ही है। और जैसे ही अंदर आतिशबाजी शुरू हुई और यहाँ बाहर भी गोलियों की आतिशबाजी शुरू हो जाती है और इस क्रॉस फायरिंग में रिंकन के लोग और इंटेलिजेंस के लोग आपस में मारे जाने लगे। और सबसे दुख की बात ये थी दोस्तों इस फायरिंग में बेचारी रिंकन की बहन अपनी ही शादी के दिन मारी जाती है। इसका मतलब ये जो कि उसका सबसे खुशी का दिन था वो बेचारी उसी दिन मारी गई थी। यहाँ डैनियल के पैर पे भी गोली लग जाती है और वो अपने पैर पे पट्टी बांधते हुए उन दोनों भाइयों को बचाते हुए बाहर की ओर ले आता है और वो लोग एक रेलवे ट्रैक पे पहुंचते हैं और उसी वक्त वहाँ पे गैंगस्टर भी आ जाता है और उन तीनों पे गन पॉइंट करता है। दूसरी ओर रिंकन भी वहाँ पहुंच जाता है और वो गैंगस्टर को तीनों में से किसी पर भी गोली चलाने से मना करता है। रिंकन लूकस से कह रहा होता है लूकस मुझे तुमसे बहुत नाराजगी है मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ धोखा करोगे और मैंने हर वक्त तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह प्यार किया है। रिंकन अपनी गन निकालकर लूकस पे गन पॉइंट करता है और वो चाहते हुए भी उस पर गोली नहीं चलाता। रिंकन बहुत इमोशनल हो जाता है और लूकस से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ और आज के बाद तुम मुझे अपनी शकल मत बताना। ये सुनकर गैंगस्टर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि रिंकन ने लूकस को हर वक्त सजा से बचा के रखा होता है और इसी वजह से वो लूकस से बहुत जलता था। हालांकि गैंगस्टर रिंकन का चचेरा भाई है और गैंगस्टर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि रिंकन ने उसे छोड़ दिया है और वो रिंकन को ही गोली से मार देता है ताकि रिंकन की पावर गैंगस्टर को मिल जाए और वो लूकस पर भी गन पॉइंट करता है। तभी डैनियल उसे पैसे से भरा एक पैकेट देने लगता है। गैंगस्टर जब वो पैसे का पैकेट देखता है तो वो पैकेट खाली होता है। गैंगस्टर गुस्से में डैनियल को शूट करने ही वाला होता है। वहीं एंड मौके पर गैंग का वही बॉय जिसने गैंगस्टर के लिए लूकस को धोखा दिया था वही बॉय गैंगस्टर को शूट कर देता है और यहीं पे ये मूवी एंड होती है। और मूवी की एंडिंग में हम ये देखते हैं स्टीव और लूकस अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। स्टीव जब बैग ओपन करता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं जो कि डैनियल ने उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत के लिए ये पैसे उनके बैग में रखे होते हैं। लेकिन आप एक चीज भूल गए हैं दोस्तों यही कि डैनियल के साथ अफगानिस्तान की वॉर में क्या हुआ था। दरअसल डैनियल लड़ाई के वक्त जब फायरिंग कर रहा होता है और उसने गलती से एक माँ से एक बेटे को छीन लिया होता है यानी डैनियल की गोली एक लड़के को लग जाती है और उसके बाद किसी ने उस पर बॉम्ब फेंक दिया होता है और दोनों सदमे
की वजह से डेनियल के मुंह से आज तक कोई भी वर्ड नहीं निकला। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इसी तरह नई नई स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।